हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हेलो गाइस, रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं अपना ब्लॉग दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि वॉक से आने के बाद मैं थोड़ा थक गई थी और तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं सो गई थी। और अभी जस्ट मैं यहाँ का रहा हूँ, खाना वगैरह भी कुछ भी नहीं बनाया, अभी बनाएंगे साथ में आपके साथ में। और आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लगी, बस थकान ज़्यादा हो गई है। और मैंने मॉर्निंग वॉक योगा की थी, उसकी क्लिप भी मैंने ली है और आपको हमें देखने को मिल जाएगी। मैं डाल दूँगी क्लिप भी आपको, तो आपको भी देख लेना साथ में। और थैंक यू, बस पूरी आज तबीयत ठीक नहीं है, इससे मेरा स्वेल कर रहा है इधर और आँखों में भी दर्द हो रहा है मेरी में। और जैसे ही मैं फ़ोन का यूज़ करती हूँ तो आँखों में से आंसू आ रहे हैं। रेस्ट की ज़रूरत है, करेंगे रेस्ट भी। अभी तो खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं। अभी खाना नहीं बना, खाना बनाऊँगी मैं आपके साथ, हुई चलते हैं साथ में खाना बनाएंगे। और देखते हैं कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊँगी, शायद मैगी खाने का मन है तो मैगी बनाऊँगी थोड़ी सी। चलते हैं, बॉइल करने के बाद निकाल लेती हूँ मैं उसको, उसके फिर मसाला वगैरह फ्राई करती हूँ, फिर बनाती हूँ डायरेक्ट उसमें डालकर। मैं डायरेक्ट ऐसे पानी डाल देती हैं साथ में, वो वाली मैगी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और देखते हैं कैसे बनती है, आपको बता दें बनने के बाद। इनको हमेशा ऐसे मैं तोड़ लेती हूँ जिससे कि ये बॉइल ठीक होती है। खाने में भी इजी रहती है। और पानी बॉइल हो रहा है मेरा, पानी बॉइल हो रहा है तब तक मैं आप लोगों को कुछ बताती हूँ। बस ये है चिया सीड्स। अगर आप कोई भी डाइटिंग करना चाहते हो या डाइटिंग कर रहे हो तो आप इसका यूज कर सकते हो अपनी डाइट में। आपको खाना कैसा है, आपको रात में एक चम्मच पानी में या दूध में आपको भिगो के रख देना है इसको। और सुबह आपको खाली पेट, आप जब भी खाली पेट होते हो उस टाइम आपको इसको खाना है, चवाने के साथ खाना है साथ में। और ये आपको अमेजोन पर मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी। मार्केट का तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने मार्केट से मंगाई नहीं, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। और इसको 6 या 7 महीने मेरे को यूज करते करते हुआ है, इसका प्रॉफिट भी काफ़ी दिख रहा है मेरे को। तो आप लोग ये चाहो तो मंगा सकते हो और एक बार ट्राई करना चाहिए आप लोगों को। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि मैं रोटियाँ किस पर बनाती हूँ। मैं तवे पे रोटियाँ कभी नहीं बनाती, ना तवे की रोटियाँ मैं खाती हूँ और ना ही वो ज़्यादा ठीक रहती हैं हेल्थ के लिए। तो जो मिट्टी का तवा रहता है, मिट्टी का हमारे यहाँ एमपी में उसको करीला बोलते हैं, तो मैं उस पर रोटी बनाती हूँ और उसकी रोटियाँ टेस्टी भी लगती हैं और हेल्थ के लिए भी ठीक रहती हैं। तो देखो आप हमें बताते हैं, ये ऐसे 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 रखा हो जाता है और इस पर रोटियाँ बनती हैं। ये ज़्यादातर एमपी में ही मिलता है, ये यहाँ पे तो शायद ही मिले। और हमारे यहाँ तो ज़्यादातर सभी लोग यही यूज करते हैं रोटियाँ बनाने के लिए, तो मैं भी यूज करती हूँ। मैं लेकर भी हमारे घर से लेकर आई थी, यहाँ से मैंने लिया क्योंकि यहाँ तो मिलता नहीं है। इसलिए पानी मेरा बॉइल हो रहा है अभी, पानी बॉइल होने लगा और मैं मैगी बॉइल कर लूँगी साथ में, चाय बनाऊंगी। मैगी मैंने उसमें ढक भी दी उसको, और थोड़ी देर ये बॉयल हो जाएंगी जब तक इधर दूसरी तरफ चाय भी बन रही है मेरी। चाय बनने के बाद हम फिर से मैगी को बनाएंगे, फ्राई करेंगे अच्छे से। और मैं आज एक नए तरीके से मैगी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जो
सीड्स कॉर्न रहते हैं, तो मैं वो भी इसमें यूज करूँगी। देखते हैं कैसा टेस्ट आता है, कैसी लगती है खाने में। मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना चाहिए, और मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि मैं कुछ ना कुछ ट्राई करती रहूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग भी करना पसंद है, इसलिए तो मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती हूँ। ये ऑयल हो रही है, मैगी ऑयल हो रही है, तब तक ऐसे चॉपिंग कर लेती हूँ, साथ में दोनों काम भी हो जाएंगे। प्याज, शिमला मिर्च, आलू, मैगी बन चुकी है, और मैं इनको खा लेती हूँ। खाने के बाद आराम करूँगी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आप ही खा लीजिए। वो नहीं पड़ रहा है भाई साहब, बहुत ज़्यादा गर्म है मैगी, तो मैगी खिलनी है अभी। गाइस मेरा हो गया पानी का, तो और मैं जा रही हूँ दीदी के यहाँ से पानी लेने के लिए, क्योंकि सुबह पानी वाला आया था और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं सो गई थी, इसलिए पानी खत्म हो गया, और रात को पानी चाहिए, इसलिए मैं जा रही हूँ दीदी के यहाँ से पानी लगाने के लिए। चलो आप भी मेरे साथ। सीर इतना हमेशा भिजी रहती है, कभी भी जाओ इस वक्त में हमेशा भिजी रहनी है, कभी भी चल रहा है इसमें सुबह ऐसा हम तो करना है, दो मिनट तो हमसे वेट करना ही पड़ता है इसमें। भाई हमारी पीयू तो रात में भी चोटी बना के सोती है, क्योंकि इसके इतने लंबे लंबे बाल जो है ना, बहुत लंबे, देखा ना पीयू, देखो कितने लंबे बाल हैं। आपकी ड्रेस अच्छी लग रही है आज। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय। काम हो गया मेरा, अब चलते हैं जल्दी से खाएं, उसके बाद नीचे जाती हूँ थोड़ी सी वॉक करने के, फिर सोना। परसों नहीं, सैटरडे को मैच है इंडिया पाकिस्तान का। हाँ नहीं गया, आए गए जाए, तो तुमने टीम बनाई? आ गया मेरा फ्रो, बाय बाय। पता नहीं कौन अंकल थे, बाय बाय करने लगे, और भाई नहीं मैंने तुमसे बाय बाय कर लिया। हाँ देखो गाइस, हम लोग नीचे घूमने आए थे दीदी वगैरह और मैं, हम लोगों ने एक घर में देखा, इतनी मस्त लाइटिंग लग रही थी ना ऊपर की तरफ, बहुत ही प्यारी लग रही थी, और ये दीदी हमारी झांक के ऐसे देख रही थी ना उस घर को। कैसे देख रही थी आप? गाइस मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले। ओके बाय बाय, गुड नाइट।